यू ऑल वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। ओके, हम इसमें कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 एडिशन। ओके, अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने एडिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो किया था उसका रिवीजन किया, एडिशन और डबल लाइन किया। ठीक है, हमने डबल डिजिट एडिशन भी किया है। यस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम दो टॉपिक्स करेंगे। कौन से? फैक्ट्स अबाउट एडिशन एंड एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर। फैक्ट्स अबाउट एडिशन में दो टॉपिक्स हैं। क्या है? व्हेन यू ऐड जीरो टू अ नंबर, व्हेन यू ऐड जीरो टू एनी नंबर द रिजल्ट यू गेट इज द नंबर इटसेल्फ। सपोज इफ आई एम एडिंग 5 प्लस 0 तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 5। क्या मिलेगा? 5। मतलब व्हेन यू ऐड 0 टू अ नंबर यू गेट आंसर एज द नंबर इटसेल्फ। ऐसा टू डिजिट में भी होता है। कैसे? देखो, 15 प्लस 20 तो यहां पर जो 0 है आपको उसी का आंसर देखना है कि क्या आता है। तो अगेन 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। मतलब व्हेन यू ऐड 0 टू एनी नंबर यू गेट आंसर एज द नंबर इटसेल्फ। ओके, सेकंड वन, व्हेन यू ऐड 1 टू एनी नंबर, व्हेन यू ऐड 1 टू एनी नंबर यू गेट द आंसर नेक्स्ट नंबर। मतलब कि अगर आप 5 प्लस 1 करते हो, 5 प्लस 1 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 6। क्या मिलेगा? 6। मतलब वो कौन सा नंबर है? नेक्स्ट नंबर आफ्टर 5, नेक्स्ट नंबर आफ्टर 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद कैरी ओवर। टू डिजिट नंबर्स हमने एडिशन सीख लिया है, अब हम क्या सीखेंगे? टू डिजिट नंबर्स विद कैरी ओवर। मतलब कि अगर मैं यहां पर लिखती हूं 14 प्लस 16, ठीक है, तो 4 प्लस 6 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये टेंस की प्लेस वैल्यू है और ये वंस की। हम पहले वंस की प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 6 कितना होता है? 4 प्लस 6 कितना हुआ? 10। तो 0 मैं यहां पर लिख दूंगी और 1 जो है वो यहां पर टेंस में कैरी कर दूंगी। 0 मैंने यहां पर लिखा और 1 मैंने टेंस की प्लेस पर कैरी कर दिया। अब क्या होगा? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। और ये जो कैरी का है 1, उसे भी हम ऐड करेंगे तो वो कितना होगा? 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। समझ में आया स्टूडेंट्स कैरी ओवर के एडिशन कैसे कर रहे हैं? अगर आपका यहाँ पर आंसर जो है वो टू डिजिट आता है तो आपको एक डिजिट को टेंस की प्लेस पर कैरी करना है और टेंस की प्लेस पर जो नंबर्स है उसके साथ उसे ऐड करना है। जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा 10 ही आएगा और आपको 1 ही कैरी करना पड़ेगा। नंबर कैन बी एनी नंबर। ओके, अब इसके बारे में डिटेल्स में हम अपनी बुक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इन दैट कम टू पेज नंबर 54। पेज नंबर 54। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट टुडेज डेट ओवर हियर। आज का हमारा टॉपिक फैक्ट्स अबाउट एडिशन। फैक्ट्स अबाउट एडिशन। ओके, उसमें क्या है? When we add 0 to a number, the sum is the number itself. मतलब जब हम किसी नंबर को 0 से ऐड करेंगे या किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? वो नंबर इटसेल्फ।
क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 5 + 0, 5 + 0 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट वन. व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. मतलब अगर हम किसी नंबर को 1 से ऐड करेंगे या किसी नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? उस नंबर के बाद का नंबर, मतलब कि नेक्स्ट नंबर, नंबर आफ्टर दैट नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 6 + 1 इज इक्वल टू 7. तो 7 क्या है? 6 का नेक्स्ट नंबर, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7. ओके, ठीक है. अब यहां पर देखते हैं, एड द फॉलोइंग. 1 + 0, 1 + 0, तो आंसर क्या आएगा? आपको 1 में क्या ऐड करना है? 0 ऐड करना है, मतलब कुछ नहीं. तो आपका आंसर क्या आएगा? 1. क्यों? 5 + 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 5. तो वैसे ही 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1. ओके, नेक्स्ट वन. 8 + 1 इज इक्वल टू डैश, 8 + 1 इज इक्वल टू डैश. ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 9. क्या बनेगा? 9. 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9. ओके, नेक्स्ट वन. 79 + 1, 79 + 1, 79 के बाद क्या आता है? 80. क्या आता है? 80. ओके, 0 + 24, 0 + 24. तो 0 यहां पर हो या यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? हमने आगे पढ़ा है कि आप नंबर्स को चाहे कैसे भी अरेंज कर दो, उसका टोटल हमेशा एक ही रहेगा. ठीक है, तो 0 + 24 क्या होगा? 24 इटसेल्फ. ओके, वैसे ही 99 + 0, 99 + 0 क्या बनेगा? 99. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब क्या है? एडिशन विथ रीग्रुपिंग. एडिशन विथ रीग्रुपिंग. वी कैन ऑल्सो एक्सपांड एंड एड 2-digit नंबर्स. हम ऐसे करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं. 29 + 36 इज इक्वल टू 2 10s + 9 1s, नीचे प्लस 3 10s + 6 1s. ओके, तो 1s के प्लेस वैल्यू को हम साथ में ऐड करेंगे तो 9 + 6 कितना होगा? 9 + 6 = 15 होगा. क्या होगा? 15 होगा. ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 15 1s. क्यों? क्योंकि हमने ये 1s वाले नंबर्स ऐड किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 15 1s. ओके, उसके बाद 2 10s and 3 10s. तो 2 10s और 3 10s क्या होता है? 5 10s. क्या होता है? 5 10s. ओके, अब वी नाउ रीग्रुप द नंबर्स इन द 10s and 1s कॉलम. अब जो यहां पर कॉलम में 10s और 1s हैं, उसे हम फिर से रीग्रुपिंग करेंगे. ओके, सो 5 10s + 15 1s इज इक्वल टू, हम इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरह से? 5 10s जैसे है वैसे ही प्लस 15 को स्प्लिट कर देंगे. 15 को स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 10s और 5 1s. यस, तो 1 10 + 5 1s. ओके, अब ब्रैकेट में है, वी कैन ऑल्सो से 15 1s is 110 and 5 1s. ये तो ऊपर दिया है, वही है. ओके, वी कैन देन ग्रुप द 10s टुगेदर. अब जो यहां पर 10s के नंबर्स हैं, उन्हें हम एक साथ ऐड कर देंगे, ग्रुप कर देंगे. कैसे? यहां पर जैसे 10s के नंबर ऐड किए वैसे ही यहां पर करने हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 1
सिक्स, क्या हो जाएगा, फाइव प्लस वन सिक्स। देखो फाइव टेंस प्लस वन टेंस प्लस फाइव वंस, तो टेंस के कितने हुए, फाइव प्लस वन सिक्स टेंस प्लस फाइव वंस, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, सिक्स फाइव सिक्सटी फाइव। समझ में आया स्टूडेंट्स, एडिशन जब टू डिजिट नंबर्स के हो तो सबसे पहले वंस की प्लेस पर जो नंबर्स होते हैं उसे ऐड करते हैं, उस पर अगर कोई टू डिजिट नंबर का आंसर आ रहा है तो उसे हम टेंस की प्लेस पर कैरी ओवर करेंगे, और जब हम टेंस की प्लेस पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें ऐड करेंगे तब वो कैरी वाला नंबर भी ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर। लेट अस एड 29 एंड 36। ओके, फर्स्ट एड द वंस, 9 प्लस 6 क्या आया, 15। हियर द डिजिट 1 इज इन द टेंस प्लेस, कौन सा वाला, ये वाला 1 है, वो टेंस की प्लेस का है, क्यों, क्योंकि वो 1 5 15 है। ओके, सो वी टेक इट टू द टेंस कॉलम। अब इसको हम कहां कैरी करेंगे, वन को टेंस पर कैरी कर देंगे। ओके, वी एड दिस वन टू द सम ऑफ द नंबर्स इन द टेंस कॉलम। यहां पर जो टेंस के नंबर्स हैं उसे हम जब ऐड करेंगे तभी कैरी वाले वन को भी ऐड कर देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड कैरिंग ओवर द डिजिट वन। ओके, वी राइट 5 अंडर वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 110 टू द टेंस कॉलम। यहां पर जो 15 आंसर आया था उसमें से 5 है वो हमने वंस की कॉलम में लिखा है, और जो 1 है उसे हमने टेंस के कॉलम में कैरी ओवर कर दिया है। अब जब हम टेंस के प्लेस को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। समझ में आया स्टूडेंट्स, देन वी एड द टेंस, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टेंस, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 29 प्लस 36 इज इक्वल टू 65। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे आते हैं, कुछ सम्स दिए गए हैं आपको। पहला वाला क्या है, 38 प्लस 13, 38 प्लस 13, ठीक है, 8 प्लस 3 करेंगे पहले क्योंकि वो वंस की प्लेस पर है, तो 8 प्लस 3 क्या होता है, 8 प्लस 3 9 10 11, ठीक है। अब 11 आंसर आया वो टू डिजिट का आंसर है, तो उसमें क्या करेंगे, एक 1 को हम यहां पर लिख देंगे वंस में और एक 1 को हम यहां कैरी कर देंगे। ओके, अब टेंस के नंबर्स ऐड करते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ओके, समझ में आया, नेक्स्ट वन, 1 4 14 प्लस 2 8 28। ओके, पहले वंस के नंबर्स ऐड करेंगे, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 क्या होता है, 12, क्या होता है, 12। ओके, तो उसमें 12 जो है वो भी टू डिजिट नंबर है, तो उसमें हम 12 में से जो 2 है उसे वंस की प्लेस पर लिखेंगे और 1 जो है उसे यहां पर कैरी ओवर कर देंगे। ओके, अब जब हम टेंस के नंबर्स ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 4। ओके, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वन, 4 8 48 प्लस 2 6 26, 48 प्लस 26, वंस की प्लेस पर जो नंबर्स हैं उसे हम पहले ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 6 कितना होता है, कितना होता है, 8 प्लस 6 14, कितना होता है, 14। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 और 1 कर देंगे कैरी ओवर।
अब जब हम टेंस की प्लेस को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 + 1, 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 1 = 7, ओके तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 7। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये जो बाकी के सम्स हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। वी एंड आवर टुडेस क्लास ओवर हियर। आई होप कि आज के हमारे दोनों टॉपिक्स फैक्ट्स अबाउट एडिशन और एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विल कैरी ओवर आपको समझ में आ गए हैं। आपको जो टेक्स्ट बुक में होमवर्क दिया है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, आपको जो प्रिंट आउट पीडीएफ मिलेगी वो प्रिंट आउट करवाकर तो उसमें ही लिखना है या तो फिर अपनी मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है, ओके। आई रिपीट, आपको जो पीडीएफ मिलेगी ऐप में होमवर्क में उसको आपको या तो प्रिंट आउट करवा कर लिखना है या तो फिर अपनी फेयर बुक में लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। वी विल बी मीटिंग।